आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंडशिप कब टॉक्सिक फ्रेंडशिप हो जाती है। ये वीडियो टीनेज यूथ सेगमेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि वो नए दोस्त बना रहे होते हैं। आज मैं आपको 5 पॉइंट ऐसे बताने जा रहा हूं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको पहले ही पता लग जाएगा मेरी फ्रेंडशिप अब टॉक्सिक फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जी डी भार्गव और मैं प्रेजेंट करता हूं अवर ब्रेन अवर लाइफ को। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंडशिप कब टॉक्सिक फ्रेंडशिप हो जाती है। दोस्ती एक ऐसी चीज है जो हमारे को लाइफ में बहुत ज्यादा चाहिए होती है, तो अगर वो दोस्ती टॉक्सिक फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो जाए तो हमें कई तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। ये वीडियो टीनेज यूथ सेगमेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि वो नए दोस्त बना रहे होते हैं। एक एज के बाद 45-50 की एज के बाद ऑलमोस्ट दोस्त फिक्स हो जाते हैं, नए दोस्त थोड़ा सा कम हो जाते हैं क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर आपको मैटर करते हैं। आज हम उन दोस्तों की बात कर रहे हैं जो आप नए नए दोस्त बनाते हैं, उन दोस्तों के लिए आप सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन कभी कभी वो दोस्त आपको निग्लेक्ट कर देते हैं या वो दोस्ती लंबी नहीं चल पाती है, तो क्या करते हैं आप? तो आपको कहीं ना कहीं डिसऑर्डर हो जाता है, आप डिप्रेशन में फील करते हैं, अपने आपको एंग्जाइटी में फील करते हैं। तो आज मैं आपको 5 पॉइंट ऐसे बताने जा रहा हूं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको पहले ही पता लग जाएगा मेरी फ्रेंडशिप अब टॉक्सिक फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो रही है। धीरे धीरे वो दोस्ती ऐसी जगह जा रही है जिसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव पे क्लोज होगा। तो आप पहले से वो रास्ता छोड़ दें और दोस्त बना लें। तो आसान तरीके से मैं आपको ये बता रहा हूं कि 5 पॉइंट कौन से हैं जो आपको हेल्प करेंगे टॉक्सिक फ्रेंडशिप को अवॉइड करने के लिए। तो चलते हैं इस जर्नी पे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जुड़े रहें हमारे साथ ऐसे ही बढ़िया यूजफुल वीडियोस के लिए। चलते हैं टॉक्सिक फ्रेंडशिप। टॉक्सिक फ्रेंडशिप का मतलब समझते हैं, कोई भी फ्रेंडशिप जिसमें दरार आ जाए, जिसमें आपको मैनिपुलेशन लगे, जिसमें लगे आदमी मेरे को हेल्प करने की बजाय मेरा यूज कर रहा है। और ये सडनली जब हमें लगने लगता है तो हमारे जो बेस्ट फ्रेंड हैं वो भी एक टाइम के बाद हमें इरिटेट करने लगते हैं। तो इसके अंदर पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है जब आप अवॉइड करने लगे उससे शेयर करने के लिए एनी पॉजिटिव न्यूज, कोई भी पॉजिटिव चीज, कोई भी अच्छी चीज आप उसको बताना ना चाहें तो समझ लीजिए वो फ्रेंडशिप टॉक्सिक फ्रेंडशिप हो चुकी है। इसका मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। आपने एक डॉग खरीदा मान लो और आपने अपने दोस्त को फोन करके बताया, अरे भाई मैंने ना डॉग लिया है, लैब लिया है मैंने। तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं आपके डिसीजन को प्रेज किया जाए, आपके डिसीजन के अंदर वैल्यू एड दिए जाए, आपके डिसीजन के अंदर आपकी हेल्प की जाए, आपको बताया जाए डॉग बहुत अच्छा लिया है, आप उसकी पिक्चर शेयर करते हैं। अब वो दूसरी तरफ तुरंत से अच्छा अच्छा बहुत अच्छी बात कह के फोन रख दिया उसने, वो जाएगा अपने मम्मी पापा के पास और जाके बोलेगा मेरे को डॉग चाहिए। अब क्या आंसर होगा मम्मी पापा का? दो ही आंसर हो सकते हैं, यस एंड नो। अगर गलती से यस हो गया तो तुरंत वो आपसे पूछेगा आपने कौन सा लिया, आप बताएंगे आपकी डॉग की नस्ल क्या है, वो कहेगा अच्छा। अब वो डॉग की नस्ल अलग लेगा, हाँ लो आपने लैब लिया है, वो जर्मन शेफर्ड ले लेगा, फिर आपको बताएगा लैब कितना बुरा होता है और जर्मन शेफर्ड कितना अच्छा होता है। थोड़े दिन बाद आपको ही अपने डॉग से इरिटेशन होने लगेगी। और दूसरा मान लो उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया, अब वो बहुत टेंशन में है भाई, अब पेरेंट ने तो मना कर दिया और अब वो खुद कमाता नहीं और ज्यादा बोलेगा तो इंडियन कल्चर है जूता उठा लेते हैं पेरेंट, वो भी काम खराब है, नहीं करना चाहिए ऐसा, पर ऐसा करते हैं। तो अब वो फंस गया, अब वो दिमाग लगाया किसके डॉग है, मेरे मामा चाचा ताया अंकल दूर के रिश्तेदारी, ऐसी रिश्तेदारी भी ढूंढेगा जिसकी रिश्तेदारी वाले लोग कभी उसके पेरेंट्स को चाय पे भी ना बुलाते, अब कोई ना कोई मिल जाएगा। फिर ढूंढेगा उनके पास कौन सा डॉग है, फिर आपको बताएगा अरे हमारे यहां तो पता नहीं कब से डॉग है। ये इसकी बहुत प्रॉब्लम है, डॉग रखना एक समस्या है। तो थोड़े दिन बाद आपको लगेगा यार
कश्मीर समस्या से बड़ी समस्या है डोग रखना, फिर आप इरिटेट हो जाएंगे। तो ये उसका पहला रिएक्शन हो गया। अब दूसरा रिएक्शन, अब आपने गाड़ी खरीद ली नहीं, अब गाड़ी खरीदते ही आपको खुशी है लेकिन आप अवॉइड कर रहे हैं, पापा इसके सामने मत चलाना, इस गली से मत लेके जाना, वो देख लेगा मेरा दोस्त, उसको नहीं बताना आपने गाड़ी खरीदी। अगर ऐसा बिहेवियर, क्यों आपको फियर, वो डॉग वाली कहानी आपको याद आ गई है गाड़ी के टाइम पे, तो आपको अगर ऐसा फियर चल रहा है तो आप समझने की कोशिश करिए कि आपकी फ्रेंडशिप अब टॉक्सिक फ्रेंडशिप में जा रही है। जब भी कोई पॉजिटिव चीज, मैंने एग्जांपल देकर बताया, कोई भी चीज आप उससे शेयर करने से हेजिटेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी फ्रेंडशिप अब टॉक्सिक फ्रेंडशिप हो चुकी है। चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है फेथ, फेथ ब्लेम। तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया और आपने कुछ किया ही नहीं, मतलब आपको कई दिनों छोड़ो अपनी लाइफ में ही ये समझ नहीं आएगा कि मैंने ऐसा किया क्या था भाई। तब आपके बच्चे हो जाएंगे तो भी आपको समझ नहीं आएगा, अभी तो आप खुद बच्चे हो। तो आप समझने की कोशिश करें फेथ ब्लेम क्या है। एक लड़का है, आपका दोस्त है, उसने गर्लफ्रेंड बनाई, बड़ा खुश है जी। वो आता ना एक तारक मेहता में एक मेव सेक्टरी ऐसे ऐसे करता रहता है वो, तो अब वो अपने कॉलर ऊपर करना चाह रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। नहीं नहीं है, लोगों में क्रेज होता है, बायोलॉजिकल चेंजेस हैं उस टाइम, लेकिन अब लफड़ा ये है कि वो बताएगा से। अब उसने धीरे से आपको बताया, पहले देख भाई किसी को बताइयो मत, मैंने ना गर्लफ्रेंड बना ली, देख कसम तुझे मेरी, बताना नहीं किसी को। अब आप एक सच्चे बच्चे सच्चे दोस्त की तरह आपने कहा हाँ नहीं बताऊंगा, लेकिन क्यूरियोसिटी में आपने बहुत सारी बातें उससे पूछ ली। अब वो चार दिन पांच दिन एक हफ्ता उसने रिएक्शन को देखा, अरे किसी को पता नहीं चला। अब एक महफिल लगी है जिसमें आप भी प्रेजेंट हैं और पांच छह और क्लासमेट दोस्त आपके प्रेजेंट हैं। सडनली समझा भाई किस किस की गर्लफ्रेंड है, अरे नहीं नहीं हमारी नहीं है, बच्चे ऐसे ही बातें करते हैं, कोई बताता है कोई नहीं बताता है। अब उसने किसी ने बीच में से काउंटर क्वेश्चन किया उसको कि तेरी है, और यार तेरे को किसने बता दिया, और भाई ये मेरा दोस्त नहीं है, मैंने तूने ही बताया है, और तुम्हारा चेहरा सफेद, अरे भाई मैंने कुछ नहीं बताया, नहीं नहीं तूने, इसको कैसे पता लग गया, उसको कुछ नहीं पता था। वहां एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कि सबको पता लग गया इसकी गर्लफ्रेंड है, वो चाहता तो इंटरली वही था। अब कहानी होगी कि आपने उसका विश्वास तोड़ा, अब सारे लोग आपको समझाएंगे भाई तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं तुझे नहीं बताना चाहिए था, ये खुद ही बता देता, और आप इसी चक्करव्यूह में इसी सर्कल में घूम रहे हो कि यार मैंने किया क्या था। तो अगर ऐसे आप पे ब्लेम लगाने लगे हैं और जो जेन्युइनली आप अपना एनालाइज करें कि आपने ऐसा काम किया ही नहीं, तो समझ लीजिए कि टॉक्सिक फ्रेंडशिप हो चुकी है, ये फ्रेंडशिप रही नहीं। अब चलते हैं अगले तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है श्रूड बिहेवियर। आप कुछ चीजें हम अनदेखी करते हैं दोस्ती में हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम चीजों को इग्नोर करें, हमें हमेशा शेयर करनी चाहिए, वही तो ट्रांसपेरेंट दोस्ती है। पर श्रूड बिहेवियर है उसका, और आप इग्नोर करते रहोगे श्रूड बिहेवियर को तो उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे। श्रूड बिहेवियर कैसे, मान लो आज आपका मन है मूवी देखनी और उसका मन है आपको बाजार लेके जाना है, मार्केट में जाना है, वो आपके घर आया, अरे भाई मूवी क्या देख रहा है, मूवी देख रहा है, अरे बेकार है ये मूवी, ये जो नौकर है ना यही है, अब वो एक सस्पेंस थ्रिलर था जिसके अंदर उसने आते ही बोल दिया नौकर है ना यही है बस जो कातिल है, पूरी मूवी का आपका मजा खराब हो गया। थोड़ी देर बाद आपने छोड़ा सब गुस्से में, रिमोट चल भाई मैं घूमने चलता हूँ, क्योंकि मूवी का एंड तो आपको पता लग गया, उसी की क्यूरियोसिटी में देख रहे थे। तो ये एक नॉर्मल सा उसका बिहेवियर है, लेकिन इसी बिहेवियर को आप समझ सकते हो, क्योंकि अच्छा दोस्तों के होता आपको बताता हाँ अच्छी मूवी है देखो अच्छा है, लेकिन उसके दिमाग में है कि आपको मार्केट लेके जाना है। दूसरा यह है कि मान लो आपका प्रैक्टिकल है, कल सुबह आपका प्रैक्टिकल है, आपने बहुत अच्छी तैयारी करके रखी है। साइंस वाले स्टूडेंट जो होंगे बच्चे इस टाइम वीडियो देख रहे होंगे वो समझते हैं प्रैक्टिकल फाइल बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो फाइल बन रही है तैयार हो रही है और सडनली
वो शाम को प्रकट हो गया, भाई मेरा प्रैक्टिकल परसों है। उसका एक दिन बाद है, मेरे को तू बस फाइल दे दे, मैं 2 घंटे में वापस दे जाऊंगा। अब आपने अपनी दोस्ती निभाते हुए वो फाइल दे दी उसको। अब 2 घंटे के बाद आप फोन कर रहे हैं, उसका फोन स्विच ऑफ। अब आपकी टेंशन रेशो बढ़ रही है, धीरे धीरे रात के 10 बज चुके हैं। आपका डर है कि मेरे को सुबह सुबह स्कूल जाना है, प्रॉब्लम है, या कॉलेज जाना है, ये टीनेज और यूथ दोनों में ही प्रॉब्लम है। अब आप फंस गए हैं, फिर धीरे से आप पेरेंट को बताएंगे, अरे भाई मेरी फाइल वहां है। तो उसका घर अगर पता है तो आपके पेरेंट बेचारे परेशान होते हुए रात को उसके यहाँ फाइल लेने जाएंगे। कल का जो पेपर है उसका मूड अभी आपका स्पाइल हो चुका है, आपको तो बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुकेगा। और वही इंडियन कल्चर है कि हो सकता है आपके ऊपर 2-4 हाथ भी चल चुके हों, लेकिन आपको इससे लर्निंग क्या होनी है कि ये फ्रेंडशिप अब टॉक्सिक मोड में चली गई। और घर नहीं पता मान लो उसका, तो आपकी तो हार्टबीट बढ़ गई, आप सारी रात फोन करते रहोगे कि भगवान करे उसका फोन ऑन हो जाए और आप अपनी फाइल के बारे में उससे पूछ लो। तो अगर ऐसा बिहेवियर आपके दोस्तों में हो रहा है तो तुरंत अपने आप को उस लाइन से हटाएं, कुछ और सर्कल फ्रेंडशिप का ढूंढें, क्योंकि वो फ्रेंडशिप अब टॉक्सिक हो चुकी है। आगे चलते हैं 4th पॉइंट पे, सेल्फ प्रेज। अब आपके मन में कोई बात है, आप किसी बात से फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, आप किसी बात से दुखी हो सकते हो, आप कोई स्ट्रेस में हो सकते हो, आप कोई बात बोलना चाह रहे हो बट वो आपके पास सुनने को तैयार नहीं, वो अपनी प्रेज कर रहा है। अरे मेरे जो अंकल US में रहते हैं ना, उनका घर इतना बड़ा है। आप उसको बता रहे हो भाई मेरे घर में प्रॉब्लम, अरे सुन ना तू, छोड़ ना उसको बात। दूसरा, अरे सुन मेरे ना 1 लाख फॉलोअर हो गए हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। आप कह रहे हो भाई वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी बात बड़ी। अरे सुन ना, छोड़ ना इन बातों को, तू सुन 1 लाख 1 मिलियन हो जाएंगे थोड़े दिन बाद, 10 लाख। बस वो उसी धुन में आपसे सवार है, वो अपनी प्रेस कर जा रहा है। रही सही का सर, वो आपको बता रहा है ये शर्ट जो है ना मेरे अंकल भेजी जो US है। इनडायरेक्टली वो आपको क्या बता रहा है, इनडायरेक्टली वो आपको ये बता रहा है कि मैं US के या फॉरेन के कपड़े पहनता हूँ। तो आपकी नहीं सुन रहा, और थोड़ी देर बाद आपको लगेगा छोड़ यार मैं उठ के चलता हूँ, इसका ज्ञान तो खत्म नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। मैंने वही कहा इग्नोर नहीं करना, उससे लर्निंग लेनी है। आपको समझ लेना चाहिए ये दोस्ती अब टॉक्सिक फ्रेंडशिप में जा रही है, ये रिलेशनशिप अगर ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो कहीं ना कहीं बैड शिप में क्लोज होगा। अब आगे चलते हैं 5th पॉइंट पे, जो लास्ट पॉइंट है, सेल्फ एस्टीम डिक्लाइन। हम अपनी सेल्फ एस्टीम को भी कई बार किसी के कदमों में डाल देते हैं, मत करिए ऐसा। अब वो कैसे कर रहा है, सडनली आपको आप उसके नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, आपके भी नंबर अच्छे आ रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, अब उसे लग रहा है इसका मजाक नहीं उड़ा पा रहा है। अब वो शुरू हो जाएगा, अरे तू थोड़ा मोटा हो गया। अब वो आपके मोटापे पे शुरू के कमेंट दे रहा है, या गलती से आप पतले हैं तो आपके पतले होने पर भी कमेंट है उसके पास, आपके बालों पर कमेंट है, आपके कलर पे कमेंट है, आपके बैग पे कमेंट है, तो उसके पास कमेंट है। जैसे ही 4 दोस्त शुरू होते हैं वो लेग बुलिंग शुरू कर देता है, और पर्सनलाइज लेग बुलिंग। और कुछ नहीं, मान लो आप में कोई कमी नहीं है तो आपके पेरेंट्स के ऊपर शुरू हो जाएगा, आपके ब्रदर सिस्टर पे शुरू हो जाएगा, और आप धीरे धीरे स्माइल दे रहे हैं उसे, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए फ्रेंडशिप अब टॉक्सिक मोड में जा रही है। आगे चलते हैं, इसको समझते हुए, इन 5 पॉइंट को समझते हुए हमें यह समझने की जरूरत है कि क्या ये टॉक्सिक फ्रेंडशिप हमें कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर हमें टॉक्सिक फ्रेंडशिप कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए तो डेफिनेटली हमें सर्कल चेंज करना पड़ेगा, अलग लोगों को, दोस्तों को ढूंढना पड़ेगा। और अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये डिप्रेसिव करके जाएंगे आपको, या एंग्जाइटी में छोड़ के जाएंगे, और कोई ना कोई एक काउंसलर की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। आपके कोई भी इसमें क्वेश्चंस हो टॉक्सिक फ्रेंडशिप को लेके, या कोई ऐसा आपका एक्सपीरियंस हो जो आप शेयर करना चाहते हो, प्लीज शेयर करिए कमेंट बॉक्स में। जल्दी मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ।
तब तक हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जुड़े रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।